आज आपको वीडियो के अंदर बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करूंगा और दोस्तों आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि स्क्रीन का अंदर कुछ भी सीआरटी टीवी हो सकता है। तो आज आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा एलजी टीवी। तो वो टीवी का जो स्टार्टिंग में टीवी ऑन करने के बाद स्क्रीन का अंदर व्हाइट लाइट, पूरे स्क्रीन का अंदर फुल व्हाइट ब्राइटनेस का साथ रिक्टस लाइन देखा जाता है। तो दोस्तों फुल ब्राइटनेस का साथ रिक्टस लाइन और कुछ भी पिक्चर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसी तरह प्रॉब्लम 180 वोल्ट लाइन प्रॉब्लम से ही हो सकता है, ठीक है, बेसबोर्ड का लूज कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, पर मेनली 180 वोल्ट लाइन को चेक करना पड़ेगा। पर दोस्तों 180 वोल्ट लाइन का डायोड कैपेसिटर सब कुछ चेंज करने के बाद तब भी नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसी तरह ये एक वीडियो। आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। पर दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ वीडियो ऑलरेडी बन गया, मैं इसी टाइम वीडियो का अंदर मैं वॉइस ओवर करूँगा। दोस्तों थोड़ा सा डिसबैलेंस इधर उधर हो सकता है, बट आप को समझने के लिए मैं कोशिश करूँगा। ये वीडियो आप लास्ट तक देखेगा तो न्यू टेक्नीशियन को अलग से जरूर नॉलेज मिल जाएगा। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों कुछ भी प्रॉब्लम रिपेयर करने का पहले सिम्टम को अच्छा करके देखना पड़ेगा। तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, बट 8-10 मिनट का अंदर ही मैं ये वीडियो कंप्लीट कर दूंगा कि टीवी का जो प्रॉब्लम अच्छा करके फॉलो कीजिए। तो टीवी को मैं स्टैंड बाई से ऑन किया, ऑन करने के बाद स्क्रीन पर फॉलो कीजिए। अभी मैं सीरीज लाइन से सप्लाई देके टेस्ट कर रहा हूँ, सीरीज लाइन पर भी आप फॉलो कर सकते हो। देखिए दोस्तों सिम्टम किस तरह है। तो मतलब सीरीज लाइन से सप्लाई देने के बाद जब अधिक लाइट आ जाता है उसी कंडीशन पर सीरीज बल्ब फुल ग्लो हो जाता है। तो इसी टाइम मैं डायरेक्ट लाइन से सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ और स्क्रीन पर आप फॉलो कीजिए कि दोस्तों ये सेट स्टैंड बाई मोड पर चला गया, फिर भी दोबारा स्टैंड बाई से ऑन कराना पड़ेगा। तो स्टैंड बाई से ऑन कर दिया, देखिए स्क्रीन के ऊपर व्हाइट रिक्ट्रेस लाइन, ठीक है। तो दोस्तों ये व्हाइट रिक्ट्रेस लाइन, नो पिक्चर। तो मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। तो इसका बैक कवर को मैं ओपन किया, ओपन करने के बाद फर्स्ट क्या देखना पड़ेगा, इस तरह जब प्रॉब्लम आ जाता है 180 वोल्ट लाइन। तो यहाँ पर जो जैक वायर देखिए, ये पॉइंट से 180 वोल्ट और ये दो पॉइंट से फिलामेंट सप्लाई आउटपुट होता है। तो यहाँ पर वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। तो सप्लाई दे दिया और अभी इसी टाइम आपको मीटर लेके वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा। तो आप स्क्रीन पर फॉलो कीजिए। तो टीवी अभी चालू नहीं हो रहा है, मतलब हर टाइम टीवी स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है। तो दोस्तों ये एलजी का सेट है, ये चाइना पीसीबी नहीं है। चाइना पीसीबी होगा तो लाइट जरूर आ जाएगा, बट एलजी सेट का अंदर प्रोटेक्शन सिस्टम है, ठीक है। तो अधिक लाइट के बजाय कि ये सेट स्टैंड बाई मोड पर चला गया। तो चलिए मैं फिर भी स्टैंड बाई से ऑन किया बॉटम स्विच पुश करके, ठीक है, और स्क्रीन पर देखिए लाइट दोबारा आ गया। और अभी इसी टाइम कुछ टाइम रखने के बाद ये स्टैंड बाई मोड पर चला जाएगा, बट 180 वोल्ट लाइन पर वोल्टेज कितना है बेस बोर्ड का अंदर, देखिए ओनली 12 वोल्ट, 11 वोल्ट, 10 वोल्ट, 9 वोल्ट, इस तरह वोल्ट। मतलब 12 वोल्ट आने के बाद थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप हो गया। और ये जो 180 वोल्ट लाइन का पॉइंट है, देखिए यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, 4-5 वोल्ट के आसपास, ठीक है। तो फर्स्ट बेस बोर्ड का अंदर 12 वोल्ट मिला, उसके बाद वोल्टेज ड्रॉप हो गया। तो सप्लाई में ऑफ कर दिया अभी इसी टाइम। ये जो 180 वोल्ट ड्रॉप है, इसी का रीजन देखिए, यहाँ पर जो 180 वोल्ट लाइन के अंदर जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का एक्टेंट टूटा हुआ है, ठीक है। तो जरूर मन में लग रहा है कि कैपेसिटर चेंज करने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट दोस्ती वीडियो आप लास्ट तक वॉच कीजिए। तो ये कैपेसिटर वैल्यू देखिए 4.7 500 वोल्ट का कैपेसिटर है, ये चेंज करने के बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों मैं एक अच्छा सा कैपेसिटर लगाया, मैं 10 माइक्रोफेरेट कैपेसिटर लगाया, 250 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगाया। कैपेसिटर लगाने के बाद चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, आपका सामने मैं सप्लाई देके दिखाता हूँ, ठीक है, इसी टाइम वोल्टेज बांधता है कि नहीं। तो दोस्तों फिर भी ये पीसीबी को स्टैंड बाई से ऑन करना पड़ेगा क्योंकि स्टैंड बाई मोड पर चला गया, फिलामेंट नहीं जल रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, एक बार ये पीसीबी को स्टैंड बाई से ऑन करके आपको दिखाता हूँ। बॉटम स्विच पुश करके इसका स्टैंड बाई में ऑन कर देता हूँ क्योंकि इसका रिमोट मेरे पास अभी नहीं है, ठीक है। तो स्टैंड बाई से ऑन किया, देखिए लाइट आ गया, बट दोस्तों प्रॉब्लम सेम है, सेम सिम्टम सेम प्रॉब्लम, बट कैपेसिटर मैं चेंज किया और पीसीबी का अंदर वोल्टेज एक बार देखना पड़ेगा। देखिए 169 वोल्ट यहाँ पर आ गया,
मतलब वोल्टेज अभी पीसीबी का अंदर मिल रहा है। अब अच्छा करके देखिए 170 वोल्ट के आसपास, बट दोस्तों प्रॉब्लम सेम ही है। तो दोस्तों क्या लग रहा है, तो चलिए बेस का अंदर वोल्टेज जा रहा है कि नहीं एक बार देखना पड़ेगा। चलिए अलग अलग कैथोड पिन पर वोल्टेज कितना है, यह कैथोड पिन है, यह पर 92 वोल्ट, मतलब वोल्टेज आ रहा है। ये जो कैथोड पिन, यह पर भी 92 वोल्ट, यह पर भी वोल्टेज आ रहा है। और यहाँ पर जो अरे कैथोड पिन, तो यह पर भी दोस्तों 95 वोल्ट वोल्टेज आ रहा है। मतलब बेस बोर्ड का अंदर वोल्टेज आ रहा है, तब भी ये हाई ब्राइटनेस का साथ वाइड रिक्ट्रेस लाइन नो पिक्चर। तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों आप वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए। देखिए बेस बोर्ड को मैं ओपन किया, ओपन करने के बाद ये एलजी पीसीबी का बेस बोर्ड का अंदर दोस्तों और दो कैपेसिटर दिखा जाता है। 4.7 माइक्रोफैराड 250 वोल्ट का कैपेसिटर है, ठीक है, 250 वोल्ट का कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर को रहेगा चेंज करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं ये कैपेसिटर को चेंज किया, आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो नीचे वाला दो कैपेसिटर है, देखिए ये कैपेसिटर को चेंज किया। चेंज करने के बाद तब भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ये बेस बोर्ड को मैं अच्छा करके सोल्डरिंग किया, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। फाइनली दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए इसका मेन प्रॉब्लम कौन पोजिशन से हो रहा है। कैपेसिटर तो फॉल्ट था ही, मैं चेंज किया, और ये जो 180 वोल्ट लाइन के जैक है, देखिए ये जैक हिल रहा है। इसका मतलब ये 180 वोल्ट का जो पीसीबी के साथ कनेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वो लूज कॉन्टैक्ट था। और ये मैं अलग सा ये वायर को मैं कट करके पीसीबी के साथ मैं सोल्डरिंग कर दिया, क्योंकि कभी कभी वोल्टेज जब बेस बोर्ड पर चला जाता है उसी कंडीशन पर बेस बोर्ड का अंदर दोस्तों कैपेसिटर का अंदर चार्ज स्टोर हो जाता है। उसी कंडीशन पर तीनों कैथोड पिन पर चार्ज देखने को मिलता है, वोल्टेज देखने को मिलता है। बट वोल्टेज जब वो डिस्कनेक्ट हो जाता है उसी कंडीशन पर, तो दोस्तों रिक्ट्रेस लाइन आ जाता है। अभी दोस्तों देखिए जब मैं ये वायर को सोल्डरिंग कर दिया, स्क्रीन पर देखिए पूरा ब्लैक है और स्क्रीन के अंदर ये भी लिखा वाइट, देखिए आ रहा है। मतलब यह प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो गया। तो इसका रीज़न क्या है आपको सब कुछ बताया, वोल्टेज भी एक बार चेक करके दिखाता हूँ। देखिए पीसीबी का अंदर ये पोजीशन पर फर्स्ट टाइम वोल्टेज भी मिला, तो आपको दिखाया। अभी देखिए इसी तरह सेम वोल्ट है। बेस बोर्ड का दो कैपेसिटर चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। और दोस्तों वो दो कैपेसिटर ओके था, ये ओनली पीसीबी का जो कैपेसिटर फॉल्ट था, बट और उसका साथ 180 वोल्ट लाइन लूज कॉन्टैक्ट था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉल्ट है। तो अभी मैं कंप्लीट किया और ये वीडियो लाइन देख के पूरा फिटिंग्स करके आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि इसका पिक्चर भी बिल्कुल ओके आ गया। तो दोस्तों आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि वीडियो के अंदर मैं जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया, ठीक है, आपको ये वीडियो देख के क्या बताऊँगा, कुछ नॉलेज मिला है, तब ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है दोस्तों। और इस तरह और वीडियो आप पाना चाहता हो तो ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए और एक लाइक कर दीजिए।